हाय एवरीवन, मैं हूँ रजनी मंडराल गुप्ता और स्वागत है आपका मेरे चैनल हरि उत्तर नवोदया पर। गाइज, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक प्रोडक्ट का रिव्यू, ऑनेस्ट रिव्यू। गाइज, पिछले दिनों मैं मार्केट गई थी तो मुझे मार्केट में एक अमेजिंग सा प्रोडक्ट दिखा जो कि नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ था। ये कंपनी ने ऐसा उसमें लिखा है, ये मैं नहीं कह रही, कंपनी ने प्रोडक्ट में लिखा हुआ है। और उसका रिजल्ट जो मैंने उस टाइम ट्रायल टेस्ट लिया तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। मुझे लगा कि इसका वीडियो मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए क्योंकि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो काफ़ी बिजी होते हैं अपनी लाइफस्टाइल में, उनके पास टाइम नहीं होता है, सारे काम उन्हें क्विकली करने होते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये प्रोडक्ट मेरे ख्याल से बेस्ट होते हैं। तो सबसे पहली बात, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये जस्ट एक रिव्यू है। मेरा इस प्रोडक्ट के लिए क्या थॉट है, क्या मुझे इसके रिजल्ट मिले, मैं सिर्फ वो शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं तो दिस इज नॉट प्रमोशनल वीडियो, और अगर आपको पसंद आता है तो आप जरूर ट्राई कीजिए, नहीं पसंद आता है तो वो आपकी मर्जी है। हाँ, प्रोडक्ट मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। और प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाने से पहले भाई, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। मैं इस चैनल पर ब्यूटी एंड फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस लाते रहती हूँ, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको इस चैनल के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए अब इंट्रोड्यूस करवाती हूँ आपको इस प्रोडक्ट से। गाइज, ये जो प्रोडक्ट है ये स्विस ब्यूटी का है और इस प्रोडक्ट का नाम है एक्सप्लोइटिंग जेल, जेंटल एक्सप्लोइटिंग जेल। तो मैं थोड़ा कैमरे के पास आके आपको दिखा देती हूँ, दिस इज द प्रोडक्ट। एंड अगर मैं इसकी बात करूँ प्राइस की, तो गाइस प्राइस है इसका 199 रुपीज, ये मुझे 199 रुपीज का पड़ा है और 150 ग्राम का ये है। अब बात करते हैं कि ये एक्चुअली क्या है और किस चीज के लिए बेस्ट रहेगा। तो गाइज, कंपनी ने इसमें लिखा है कि ये आपकी स्किन को स्मूथ करता है, ब्राइट करता है, मिल्क एक्सट्रैक्ट से ये बना हुआ है और आपके पोर्स के अंदर जाके आपकी सारी डस्ट को निकालता है, डर्ट को निकालता है और इम्प्योरिटीज को दूर करता है, प्योरीफाई करता है आपकी स्किन को, ऐसा कंपनी ने इसमें यहाँ सब मेंशन किया हुआ है। आप जब प्रोडक्ट लेंगे तो आपको ये सब कुछ दिख जाएगा। क्लोजली मैं दिखा देती हूँ थोड़ा कैमरा के, बट आई थिंक शायद इतना क्लियर आपको नहीं हो पाएगा जितना इसमें लिखा है, मैं आपको बता देती हूँ। एंड कंपनी कहती है कि भाई आपकी स्किन में ये मतलब इतनी प्योरिटी ले आएगा कि आपकी स्किन एकदम ट्रांसपेरेंट सी लगेगी, स्मूथ हो जाएगी और स्किन एकदम मॉइस्चराइज्ड लगेगी। तो इसी चीज का मैंने टेस्ट लिया था वहां पे, जहां मैंने एक्चुअली ये नॉर्मल लोकल शॉप से, मीन्स की नॉर्मल मार्केट से खरीदा है। आई डोंट नो कि ये ऑनलाइन मिलता है या नहीं मिलता है, और अगर वैसे तो मिलता ही होगा, स्विस ब्यूटी का प्रोडक्ट है तो ऑनलाइन आप चेक कर लीजिए। अगर आपको ये बाय करना है तो ऑनलाइन भी आई थिंक इजीली अवेलेबल होता है आजकल हर प्रोडक्ट, बट अगर आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा तो ये आपको उन शॉप्स पे आसानी से मिल जाएगा जो थोड़ा सा ठीक ठाक से लेवल के होते हैं। तो मुझे ये प्रोडक्ट मिला तो मैंने इसका ट्रायल लिया तो मुझे अच्छा लगा। इसको क्लीन करने के बाद ना स्किन बड़ी स्मूथ लगी, और इनफैक्ट शॉपकीपर ने मेरे हैंड पे ये ट्राई करके दिखाया, बिल्कुल क्लीन हैंड था, कहीं कुछ नहीं था। और उसके बाद इसमें इतना डर्ट निकला है, इतना मैल निकला है, मैं एकदम शॉक्ड हो गई थी। तो चलिए अब मैं इसका ट्रायल आपको दिखा देती हूँ कि आपने यूज कैसे करना है। कंपनी ने इसमें मेंशन किया हुआ है कि आपने अपने पहले अच्छे से क्लीन कर लेना है फेस को और फेस पे। हाँ, इसको मैन वीमेन हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। और दूसरी बात, इसको अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आपने क्या करना है कि वीक में एक ही बार इसका इस्तेमाल करना है, ये नहीं कि रोज इसको लिया और रोज अपने फेस को क्लीन किया, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि देखिए, कुछ भी है तो ये पैकिंग प्रोडक्ट ही, और जो इसमें कंपनी बता रही है, कंपनी कह रही है कि इसमें जो प्रोडक्ट इस्तेमाल हुआ है, मतलब जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हुए वो है लैक्टिक एसिड है, मिल्क एक्सट्रैक्ट है, ग्लिसरीन है और कैस्टर ऑयल है, जो कि जितना मुझे इन चीजों की नॉलेज है तो मेरे ख्याल से ये परफेक्ट चीजें हैं हमारी स्किन के लिए। तो आई थिंक ऐसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर जिन लोगों को बाहर के प्रोडक्ट से, पैकिंग प्रोडक्ट से या
इस टाइप के प्रोडक्ट से कोई एलर्जी होती है तो भाई सोच समझ के लीजिए, आप अपनी वहीं पे एक पैच टेस्ट ले लीजिए जैसे आप ट्रायल लेते हैं, तो अगर आपको समझ में आता है तो परचेज कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए, नहीं समझ में आता है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि हर किसी को अपनी बॉडी टाइप्स का, स्किन टाइप्स का पता होता है। तो गाइज ये इसके इंग्रेडिएंट्स थे। और हाँ, इसमें ये भी मेंशन है कि आपकी डेड स्किन सेल्स को भी निकालता है, और जो आपके पोर्स होते हैं उनकी तो गंदगी को एकदम से पूरा अच्छे से साफ कर लेता है। बट इसको यूज करने के बाद जब आप अपने फेस को वॉश करते हैं तो आपने ठंडे पानी का इस्तेमाल करना है, नॉर्मल वाटर जो है आपका, ठंडा पानी, गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, जो कि मुझे भी उन शॉपकीपर्स ने ऐसा बताया था। और हाँ, एक चीज और, आपको हफ्ते में सिर्फ एक दिन इसका इस्तेमाल करना है, एंड बस यही प्रिकॉशन है, आप यही कर लीजिए। चलिए अब मैं इसका ट्रायल लेके दिखाती हूँ। तो मैं आपको अभी देखो, मैं भी अच्छे से रेडी हो रही हूँ, तो फेस पे नहीं दिखाऊंगी, मैं हैंड पे करके दिखाती हूँ। आपने एक इक्वल क्वांटिटी में इसको लेना है। पहले क्लीन कर लीजिए अपने फेस वगैरह को, क्योंकि क्लीन करने के बाद ही आपको असली रिजल्ट इसका शो होगा। अब आप ऐसे देखिए, ये मैंने जेल लिया हुआ है, तो अब आप क्या करेंगे, इसको हल्के हाथों से थोड़ा सा ऐसे रब कर लेंगे। मेरा हैंड बिल्कुल क्लीन है, मैंने क्लीन हैंड पे इसको डाला है, तो अब इसको थोड़े से रब कर लेते हैं, ऐसे अच्छे से मसाज करेंगे। अब मसाज करते करते ही गाइस, ये ना आपके मैल को अच्छे से निकाल देगा। तो चलिए, वीडियो में कहीं कोई कट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये रिव्यू वीडियो है तो आप लोगों तक अच्छी चीजें पहुंचनी चाहिए, ये मेरी कोशिश हमेशा रहती है। चाहे मैं होम इंग्रेडिएंट्स से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए बनाती हूँ, या मैं प्रोडक्ट का रिव्यू कर रही हूँ, तो जो चीज आप तक पहुंचनी चाहिए वो है ऑनेस्टी, ईमानदारी पहुंचनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी का पैसा ऐसे बर्बाद हो। तो ये प्रोडक्ट मुझे समझ में आया, मुझे पसंद आया। वैसे गाइज मैं भी एकदम से इंस्टेंटली कोई प्रोडक्ट लेती नहीं हूँ, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा अपनी स्किन के लिए, क्योंकि मेरी भी थोड़ा सेंसिटिव स्किन है, तो मैं बाहर के प्रोडक्टों का इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद नहीं करती हूँ। बट इसमें मुझे लगा कि जो ये मिल्क एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है तो बेस्ट है हमारे लिए। अब आप देखिए, ये देखिए, मैं थोड़ा कैमरे के पास आ जाती हूँ, आप ये देखिए, ये सारा मैल है जो मुझे अपनी स्किन के लिए सही लगा। तो मेरे को इसीलिए ये जो इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है ना, जिन लोगों के पास टाइम नहीं है तो वो इसका इस्तेमाल एक्चुअली कर सकते हैं। जैसे जिन लोगों के पास टाइम होता है तो वो मतलब जल्दी से अपनी रेमेडी को रेडी किया और बनाया, टाइम के अकॉर्डिंग अपना इस्तेमाल किया, वो सही रहता है, अच्छा भी है, हेल्दी भी है हमारे लिए, स्किन के लिए हेल्दी है, हर तरीके से हमारे लिए बेस्ट है। बट जिन लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता ना, तो उनके लिए मुझे ये बेस्ट लगा। तो ये मेरा रिव्यू वीडियो है, मैं फोर्स नहीं करूंगी आप लोगों की, आप लोग इसे ले ही लो या ऐसा कुछ, क्योंकि मैंने भी ये अपने पैसों से खरीदा है, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया। और ये इसका रिजल्ट है, ये पूरा क्लीन जो है मैल अच्छे से इसने निकाल दिया है। बस आप इसको वाइप से साफ कर लीजिए पहले, मैं तो वाइप से ही साफ कर लेती हूँ अभी तो। और उसके बाद, ऐसा करने के बाद आपने वाइप से साफ नहीं करना है, आपने इसको ठंडे पानी से साफ करना है। और उसके बाद जब आप ठंडे पानी से इसको क्लीन कर लेंगे ना, उसके बाद अपनी स्किन को टच करेंगे, बिल्कुल स्मूथ लगेगी, एकदम स्मूथ स्किन लगेगी, ऐसा लगेगा जैसे गुलाब के पंखुड़ियों को आप टच करते हैं ना, ऐसी स्किन लगेगी। तो ये मुझे इसका बेस्ट पार्ट लगा। और गाइज यार, हम कितनी बातें कर लें, लेकिन होता क्या है कि पॉल्यूशन में, डस्ट में तो हम लोग निकलते ही हैं, तो थोड़ा सा उसको अपनी स्किन को इन्हेंस करने के लिए, ब्यूटी को मेंटेन करने के लिए, थोड़ा थोड़ा कभी कभी इन चीजों का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तो यही था आज की वीडियो में, और प्रोडक्ट आपका ये है, अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं आपके साथ इसका एक, ये देखिए, ये जेंटल एक्सप्लोइटिंग जेल, तो इस जेल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही था आज की वीडियो में, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को, और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधे पहुंचे आप तक।
मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, खूबसूरत रहिए, हेल्दी रहिए। बाय बाय।